हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे नया टॉपिक मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। हमने पहली वीडियो में एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस हमने पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ कि जो एटॉमिक मास है वो होता है मास ऑफ वन एटम, मतलब किसी एक एटम का मास। जैसे आपका सोडियम का 23 है, लिथियम का आपका 6 है और नाइट्रोजन का आपका 14 है, ठीक है? ऐसे ही आपका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है? एक सिंपल मॉलिक्यूल का मास आपका मॉलिक्यूलर मास होता है। सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जिसमें आपके एक या दो से अधिक एटम आपके ऐड होते हैं। जैसे यहाँ पर वाटर लिया मैंने, H2O। अब H2O का हमने मास निकाला है, मॉलिक्यूलर मास। अब H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें वाटर में यूज होने वाले हर एक एटम के मास के बारे में पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का मास कितना है और ऑक्सीजन का मास कितना है। हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है? यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 × 1 प्लस में ऑक्सीजन का कितना है 16, तो यहाँ पर आ गया आपका 18। तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन मोल पार्टिकल, ठीक है? यहाँ पर क्या बात है मोलर मास में कि वन मोल पार्टिकल्स। अब ये वन मोल पार्टिकल्स क्या है? वन मोल पार्टिकल्स हैं आपके मास ऑफ 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स, ठीक है? मतलब एक मोल में इतने पार्टिकल रहेंगे, 6.022 × 10²³। इतनी संख्या जो ये लिखी हुई है, ये इस संख्या में जितनी ये संख्या वाले इतने पार्टिकल एक मोल में पाए जाएंगे, ठीक है? तो ये आपका मोलर मास है। अब मोलर मास में जो ये पार्टिकल हैं, ये आपके एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है? अब जो ये मोलर मास है, ये है मास ऑफ वन मोल पार्टिकल्स, ठीक है? क्या है? मास ऑफ वन मोल पार्टिकल, वन मोल में कितना बताया है मैंने, 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स, ठीक है? इतने पार्टिकल आपके एक मोल में पाए जाएंगे, ठीक है? अब ये पार्टी इन पार्टिकल के अंदर आपके एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है? अब जो हमारे एटम्स होंगे उन्हें हम लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास में, ठीक है? आपके एटम्स को लिखेंगे हम ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल्स को लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। किस में लिखेंगे? मॉलिक्यूल्स को लिखेंगे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, मतलब मॉलिक्यूलर जो मास है, मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मॉलिक्यूलर मास हम निकालते कैसे हैं, आप देख लेना जाके, ठीक है? अब मॉलिक्यूलर मास जब हम किसी भी मॉलिक्यूल्स का निकालेंगे, ठीक है, तो उसमें हमें उसे हम शॉर्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं कि ZMM, ये होता है आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम एटॉमिक मास को हम लिख सकते हैं GAM, ठीक है? जैसे कैलकुलेटिंग मॉलिकुलर मास की हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए हैं और उनका मॉलिकुलर मास हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? अब जैसे हमने H2O का मॉलिकुलर मास निकाला है, ठीक है? ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स का मॉलिकुलर मास निकाला जाता है, ठीक है? जैसे हमने H2O का पहले बताया था 18U आपका आया था, ठीक है? CO2 का, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितने हैं 2 × 16, ऑक्सीजन का होता है आपका 16, ठीक है? इसका आ गया आपका 44। अब है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका CaOH2 है, ठीक है? अब कैल्शियम का कितना होता है आपका 40, ठीक, प्लस में ये दोनों OH जो है आपका कोष्टक में है, और OH कितने हैं आपके 2 हैं, तो 2 को हम पहले लिख देंगे और OH का हम अंडर रूट उस ब्रैकेट के अंदर ही कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? तो 2, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस में हाइड्रोजन का 1, ठीक है? तो 16 प्लस में 1 यहाँ पर हो जाएगा, 16 प्लस में 1 करेंगे पहले, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 40 के साथ ऐड करेंगे, आपका 74 आ जाएगा,
ठीक है। अब चलते हैं हम Na2SO4.10H2O। अगर इस तरह से कोई मॉलिक्यूल्स कोई कंपाउंड हो तो आप उसका मॉलिकुलर मास आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। जैसे आपका सोडियम कितने हैं, दो, तो दो मल्टीप्लाई में कितना आ गया आपका सोडियम का, कितना हो गया 23। फिर आप सल्फ़र का लिखोगे प्लस में करके, सल्फ़र का लिखने के बाद में ऑक्सीजन का लिखोगे, ऑक्सीजन है कितने, चार, चार का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 10H2O है, ठीक है। अब 10H2O है तो आप इसे ऐसे नहीं करोगे कि 10 मल्टीप्लाई में 2 और फिर मल्टीप्लाई में 1 प्लस में ये 16, इस तरह से नहीं करना, क्योंकि H2O आपका एक मॉलिक्यूल है। इस H2O का मतलब 10H2O मतलब 10 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, और 10 मॉलिक्यूल हैं तो H2O का 18 होता है आपका। हम डायरेक्ट H2O की जगह पे 18 रख देंगे, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई में 18, ठीक है, 10 उसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आपका 322U आपका आया है, ठीक है। तो ये आपके मॉलिक्यूलर मास हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। आप ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारी मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हैं, उनका निकाल सकते हैं और कमेंट में आप भेज सकते हैं, लिख के हमें बता सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने वाटर को आपने कहीं पर 18U लिखा देखा है, कहीं पर आपने 18 ग्राम लिखा देखा है, तो इसका मतलब क्या होता है। वैसे तो U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है, और Z का मतलब ग्राम होता है। अब जो 18U है वो होता है आपका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो उसे हम U से डिनोट करते हैं, U उसकी यूनिट होती है। और जब हम ग्राम में निकालते हैं, ग्राम में लिखते हैं, तो वो होता है आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आई बात समझ में। जब हम U में लिखेंगे तो अब वो है आपका मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम में लिखेंगे तो वो आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर जरूर लगाएंगे, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि एटॉमिक मास हमें 118 एलिमेंट, सभी पूरे 118 एलिमेंट के याद करने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है क्योंकि आपको पूरे पीरियडिक टेबल के पूरे एलिमेंट के एटॉमिक मास याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही एलिमेंट ऐसे होते हैं जो रिएक्शन में बार बार यूज होते रहते हैं, और उन्हीं का आपको एटॉमिक मास याद करना होगा बस, ठीक है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है जो बार बार यूज होंगे आपके रिएक्शन में, और बार बार आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे, एग्जांपल्स होंगे, उसमें उनमें यही एलिमेंट एटम्स आएंगे, और इन्हीं एटम का आप एटॉमिक मास आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स को आप नोट कर सकते हो जो कि ये इम्पोर्टेंट हैं एटॉमिक मास के लिए, और इनके अलावा एक दो एलिमेंट और हैं। वैसे तो एक दो एलिमेंट और भी आ जाएंगे, लेकिन आपके पूरे ऑल एटम्स नहीं आएंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले आपके एटम्स हैं, ठीक है। तो इन एटम्स को आप नोट कर लो और याद कर लो, ठीक है। मीन्स ऑफ वन मोल, वन मोल का मतलब क्या है, पहले ही बताया था। वन मोल का मतलब क्या है आपके 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स, ठीक है। अब उस पार्टिकल में आपके एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब जैसे मीन्स ऑफ वन मोल का मतलब हम समझते हैं इन केस ऑफ एटम, ठीक है। पार्टिकल्स में आपके एटम और मॉलिक्यूल दोनों ही आए थे, तो अब हम पहला केस लेते हैं एटम के केस में, कि वन मोल बराबर होता है 6.022 × 10²³ एटम्स, ठीक है। एटम्स आपके जो 118 एलिमेंट हैं आपके, उनका आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये है आपका ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। ये आपका है एटम्स के लिए GAM, जो है आपका ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अब आता है दूसरा इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या है आपके H2CO2। अब इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स में वन मोल क्या होता है, कि वन मोल इक्वल होता है 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये है आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसे हम GMM भी लिख सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब थर्ड है आपका इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस भी तो यूज होंगी ना आपकी,
ठीक है। अब गैसेस के लिए 1 मोल क्या होता है, गैसेस के लिए 1 मोल होता है आपका 1 मोल इक्वल 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स, ठीक है। गैसेस में तो पार्टिकल्स ही आएंगे, ओके। अब जो 6.022 × 10²³ है, ये इक्वल होता है आपका 22.4 लीटर, क्योंकि गैसेस को हम लीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है। और इसको हमने दिया है नाम मोलर वॉल्यूम, ये आपका लीटर है, ये वॉल्यूम की यूनिट होती है, और गैसेस को हम वॉल्यूम में लेते हैं, तो ये वॉल्यूम की यूनिट है लीटर, इसको बोलेंगे हम मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपके एटम मॉलिक्यूल्स और गैसेस के केस में 1 मोल का मतलब था, ठीक। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे फॉर्मूलाज हैं आपका नंबर 1 है, जैसे इन केस ऑफ एटॉमिक सबस्टांस, किसी एटॉमिक सबस्टांस के लिए एक फॉर्मूला है आपका स्मॉल एन स्मॉल एम अपॉन में जी ए एम, ठीक है। इन केस ऑफ मॉलिकुलर सबस्टांस, मॉलिकुलर सबस्टांस पूछेंगे वो न्यूमेरिकल में, तो आपका फॉर्मूला है स्मॉल एन स्मॉल एम के अपॉन में बटे में जी एम एम। इन केस ऑफ गैसियस सबस्टांस के लिए आपका फॉर्मूला ये है, इन केस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इज गिवन आपका फॉर्मूला ये है। ये 4 फॉर्मूले हैं, इनको 1 बाय 1 समझते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर्मूला आप देख सकते हो, जैसा नंबर 1 फॉर्मूला है आपका, मैंने आपको 4 हेडिंग पहले लिखवाई थी कि फॉर्मूलाज इन केस ऑफ, तो पहला है इन केस ऑफ एटॉमिक सबस्टांसेस। अब जो ये एटॉमिक सबस्टांसेस है आपका, इसका आपका फॉर्मूला आया था एन इक्वल एम अपॉन में जी ए एम, ठीक है। तो ये आया कैसे है, ये क्या होता है, एन क्या है, एम क्या है, और ये क्या है। एन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, ये एटॉमिक सबस्टांस की बात हो रही है, एक एटम की फॉर्मूले की बात हो रही है, अगर आपके न्यूमेरिकल में एटम के बारे में पूछा हो तो, ठीक है। वहाँ हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है गिवन मास अपॉन में ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये आपका ये फॉर्मूला है, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, एम इज द गिवन मास जो न्यूमेरिकल में मास दिया होगा, ठीक है, और जी एम होता है आपका ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। नंबर 2 है आपका मॉलिकुलर सबस्टांस। अब मॉलिकुलर सबस्टांस का फॉर्मूला था आपका एन इक्वल एम अपॉन जी एम एम, एन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, एम इज़ द गिवन मास, और ये है आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। थर्ड है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन, अगर पार्टिकल्स गिवन हो, ठीक है। वैसे तो 3 ही फॉर्मूले हैं, ये फोर्थ आपका जो है नंबर 3 पे लिख दिया मैंने, ये आपका नया फॉर्मूला है, ठीक है। अगर पार्टिकल्स की बात हो, पार्टिकल्स कौन कौन से हो, एटम मॉलिक्यूल्स या फिर आयन, ये इनमें से कोई भी पार्टिकल हो, ये आपके पार्टिकल्स हैं, एटम मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन है, उसका फॉर्मूला था आपका एन इज इक्वल में एन इज इक्वल कैपिटल एन अपॉन में एन ए, ठीक है। अब एन ने यहाँ पर एन, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ही रहेंगे पार्टिकल्स के, नंबर ऑफ मोल्स हैं पार्टिकल्स के, और ये एन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन, जो गिवन होगा। अब वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, एटम मॉलिक्यूल्स आयन, और ये एन ए क्या है, एन ए इज एवोगाड्रो नंबर, क्या है, एवोगाड्रो एवोगाड्रो नंबर, यहाँ सॉरी मैंने डी नहीं लगाया है, यहाँ पर यहाँ डी लगा लेना आप, एवोगारो लिख दिया मैंने, एवोगाड्रो है ये, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका एवोगाड्रो नंबर है, और एवोगाड्रो इज नथिंग है, मतलब कांस्टेंट ही होता है ओब्वियसली वैसे तो, पर यहाँ पर जो एवोगाड्रो नंबर है वो उसकी वैल्यू यहाँ पर ये रहेगी 6.022 × 10², ठीक है। ये आपके एवोगाड्रो नंबर की यहाँ पर ये नंबर रहेगा, और ये इसका फॉर्मूला है। फोर्थ है आपका गैसियस सबस्टांसिस, नंबर ऑफ मोल्स एन इज इक्वल है वी अपॉन में 22.4 L, ठीक है। एल आपका लीटर है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल वॉल्यूम एट एसटीपी इन लीटर, लीटर में ले रहे हैं हम वॉल्यूम को, और अपॉन में आपकी जो ये वैल्यू आई थी, जो कि मैंने पहले बता दिया था कि ये वैल्यू कैसे आई है,
ठीक है ना। और ये यहाँ पर ये फॉर्मूला इसका रहेगा गैसियस सबस्टांसिस का, ठीक है। तो ये आपके फोर चार फॉर्मूले थे आपके, जो कि वन बाय वन मैंने आपको समझा दिए हैं कैसे कैसे क्या हैं ये, ठीक है। अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हम वहाँ पर इनका यूज करेंगे और हम समझाएंगे आपको इनका यूज कि कैसे कैसे यूज करना है, ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर, देखते हैं वन बाय वन न्यूमेरिकल हम कि हमारे जो फॉर्मूलाज हैं न्यूमेरिकल में कैसे काम करेंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे। तो जो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो आपका है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 392 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। अब जो H2SO4 है ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। अब ये एक मॉलिक्यूल्स है, ये आपका है मतलब कि इसमें कैलकुलेट क्या करना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स, किसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं आपके 392 के अंदर H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, अब यहाँ पर हमारा H2SO4 के बाद मोल्स पूछे हैं। H2SO4 क्या है हमारा, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है। अब ये हमारा मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या था हमारा, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल जब हमने फॉर्मूला बनाया था तो उसका फॉर्मूला था आपका नंबर ऑफ मोल्स इक्वल गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो हम फॉर्मूले के अंदर हम कैसे वैल्यू पुट करेंगे, जो आपका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं H2SO4 के, ठीक है। एम में क्या लिखेंगे हम, गिवन मास, गिवन मास कितना है आपका 392 ग्राम, इसको ऊपर यहाँ पर लिख देंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, हर एक एटम के मास को यहाँ पर ऐड कर देना है और जो ये हैं इनकी नीचे संख्या लिखी हुई है ये इनके साथ इनका मल्टीप्लाई कर देना है। मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको सिखा दिया था, अगर आपको नहीं आता है तो मेरी वीडियो को जाकर देख सकते हो, मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम H2SO4 का यहाँ पर पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और उस मास को हम कहाँ रखेंगे, इसके अपॉन में रखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर निकाला है मोल GMM ऑफ H2SO4, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं आपके, दो, और उसका हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, प्लस में सल्फर का होता है 32 एंड ऑक्सीजन का होता है 16, और 4 उसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, टोटल किया 98 ग्राम आया। अब 98 को हम कहाँ रख देंगे, इसके बटे में रख देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है 392 अपॉन में 98। अब इसका आंसर क्या आएगा ये आप निकालोगे और कमेंट में मुझे बताओगे कि क्या आंसर आया है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था, आ गया आपको समझ में कैसे करना है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम, और नंबर ऑफ एटम को फाइंड करने के लिए हमें इस सीरीज से चलना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से हम फिर नंबर ऑफ एटम फाइंड करेंगे, एंड में हमारा नंबर ऑफ एटम फाइंड होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं वन बाय वन। अब जैसे हमारा गिवन मास कितना है 53 ग्राम, ठीक है। अब Na2CO3 ये आपका एक मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल का हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था आपका, M/GMM। अब गिवन मास कितना है 53, और GMM कितना आया Na2CO3 का, Na2CO3 का GMM नंबर ऑफ मॉलिकुलर मास आया है 106, मतलब 106 आया है, ठीक है। ये आप निकाल के देख लेना कैसे कैसे आया है, क्योंकि निकालना आपको आता है मॉलिकुलर फॉर्मूला, क्योंकि सोडियम का होता है 23, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में कार्बन का होता है 12, प्लस में 3 × में, और ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है, और उनको हम ऐड कर देंगे, आपका 106 आ जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपका आया है 0.5 मोल, ठीक है। अब 0.5 मोल आने के बाद ये क्या आ गया आपके, नंबर ऑफ मोल्स, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं। एक मोल में 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स होते हैं,
आपको पता है पहले ही कि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 0.5 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। हमारा ये फॉर्मूला, मैथमेटिक्स तो आपकी थोड़ी बहुत आती होगी, अब इनको 0.5 मोल के हमारा वैल्यू आई है 3.011 × 10²³ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड हो गए। अब जब हमारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 क्या है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 Na2CO3 ये आपका एक मॉलिक्यूल है, इसमें अब आपको क्या फाइंड करने हैं, आपके सोडियम कितने हैं, कार्बन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं। तो 2 सोडियम है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जब 1 मॉलिक्यूल्स में 2 सोडियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन है, तो 3.011 यहाँ है 1 मॉलिक्यूल की बात, अब आइए 3.011 × 10²³ मॉलिक्यूल्स में कितने सोडियम होंगे, कितने कार्बन होंगे, कितने ऑक्सीजन होंगे, ये आपका मॉलिक्यूल्स फाइंड होगा तब जाके। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 2 सोडियम है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू के साथ, 1 कार्बन है तो 1 कार्बन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 ऑक्सीजन है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपके सोडियम कार्बन और ऑक्सीजन, ये इन तीनों की वैल्यू आ जाएगी और इससे हमें फाइंड होगा मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये है, जैसे ये रहा, ये तो है सोडियम का 2 × 3.011 × 10²³, ये है आपके सोडियम एटम, क्या है आपके सोडियम एटम, और ये हैं आपके कार्बन एटम 3 × 011, क्योंकि एक ही कार्बन है, अगर इनका मल्टीप्लाई करने पर तो वही वैल्यू आ जाएगी सेम टू सेम। अब है हमारे ऑक्सीजन एटम की, ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये आपका आ गया ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इन तीनों वैल्यू को ऐड करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एटम्स, और नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैंने बताया था पार्टिकल्स में क्या क्या आते हैं आपके एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस। अब यहाँ पर क्या पूछा है, एटम्स, तो उस एटम्स को फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, आपका एन इक्वल में कैपिटल एन अपॉन में एन ए, एन ए क्या बताया था मैंने, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम को फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पर पार्टिकल ना आके क्योंकि पार्टिकल में हमारा एटम पूछा है ना, नंबर ऑफ एटम अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर मैंने बताया था क्या वैल्यू रखनी है आपको, यहाँ पर रखनी है आपको 6.022 × 10²23। ठीक है, ये वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है, और नंबर ऑफ एटम्स कहाँ से आएंगे, ये वाले, इन तीनों कैलकुलेशन को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पर रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर जब आप वो वैल्यू पुट ये इन सब को ऐड करने के बाद जब आप उनको यहाँ पुट करोगे तब आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स, ये फाइंड हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो इतना काम करना है अब आपको, और मुझे कमेंट में बताना है आंसर क्या आया है। मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इतना बता के आपको लास्ट वैल्यू दे दी है मैंने। अब इनको ऐड करने के बाद नंबर ऑफ एटम्स फाइंड होंगे आपको। अब इन सब को ऐड करोगे तो यहाँ पर वैल्यू उनकी यहाँ रखोगे, और सोडियम ये आपको एन एवोगाड्रो नंबर आपका ये वैल्यू यहाँ रखोगे, इसका सॉल्यूशन करोगे और आंसर कमेंट में लिखोगे। ठीक है, तो आपको इतना काम करना है।